से आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले सीधे आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल जो हैं वो अपना रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। आज तक के इतिहास में गुड़गांव के अंदर कोई भी नामांकन की सभा मेरे हिसाब से इतनी बड़ी नहीं हुई होगी। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं सारे वक्ताओं को खुद बुला लेता हूं, एक एक मिनट में आप आशीर्वाद दे दीजिए, अपने मन का भाव रख दीजिए, अपने मन के उद्गार से आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गुड़गांव के लिए 5 साल दे दीजिए। मैं सीधा सीधा बुलाना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे कंबोज समाज के प्रधान रवि कंबोज जी 1 मिनट के अंदर अपनी बात को रखेंगे। रवि कंबोज जी, मैं जिस इसका नाम लूं, यहां पर कोई रूसने वाला नहीं है, यहां सारे घर के लोगों की नहीं हो भाई, बताओ बताओ भाई, परिवार के लोगों की नहीं हो, कोई नीचे बैठ गया ऊपर बैठ गया, कोई नाराज होने वाला है क्या, बताओ। अगर नाराज होने वाला हो तो बताओ, कोई एक भी आदमी है क्या। और ये लड़ाई तो दोस्तों आपने खुद नहीं लड़नी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, आपके भरोसे हूं, आपके सहारे हूं। ये मेरे युवा साथी या तो बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले लोगों को दिख नहीं रहा, या कुर्सियों पर बैठ जाए। एक बार सभा 1 घंटे की सभा है और फिर हम जुलूस के साथ चलेंगे। मैं रवि कंबोज जी 1 सेकंड में 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज हजारों की संख्या में भाई नवीन गोयल को विजय बनाने के लिए, उनका नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप सभी लोग यहां पहुंचे, सभी का जोरदार स्वागत है। और नवीन भाई इस चुनाव में जरूर जीतेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ है। वो मंच पर रहें, बाकी मंच को खाली कर दें, अपना सभा शुरू हो गई। और भाई जो प्रधान है उनको आने दो भाई, पहलवान जी किसी को मत रोको भाई, ये ही हमारी टूम है, इन्हीं का आशीर्वाद है और इन्हीं के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। दिनेश रघुवंशी जी, कविता ऐसी सुना दो कि तोड़ सा हो जाए, बोलो भारत माता के। भाई दोस्त एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। नवीन भाई आप वहां खड़े रहना, कविता यहां से सुना रहा हूं, और शीतला माता की शपथ ये कविता इस पंडाल में आकर कोई भी खड़ा ना रहे प्लीज। नवीन भाई 2 मिनट, मैं बिठा रहा हूँ नवीन भाई, अब मैं बिठा दूंगा। मैं माँ की कसम खाता हूँ, ये कविता मैंने रास्ते में लिखी है, यहाँ पंडाल में लिखी है। एक बार दोनों हाथ उठाना, और नवीन यदि आज इस कविता पर आशीर्वाद मिल गया तो ये समझ लेना जीत भी 50,000 से होगी। ये सामने वाले लोग एक बार बिठा दो सबको, दाहिनी तरफ जितने भी लोग हैं, और कविता सुनो यहाँ से अभी लिखी हुई। और ये समझना ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुड़गांव बोल रहा है, ये नवीन गोयल बोल रहा है। एक बार सारे लोग बैठ जाए। नवीन भाई, नवीन भैया आप जब तक नहीं सुनाऊंगा मेरे पास आ जाओ, यहां आ जाओ। मैं ये चाहता हूं, चूंकि आपसे लोग मिलेंगे इसलिए ये सुनो बाबूजी। तो गुरुग्राम से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल